नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक अभी भी जारी है। बता दें, सीएम आवास पर हो रही कैबिनेट की बैठक, इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बता दें, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह की रावत की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। बता दें, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। बजट सत्र को लेकर, स्कूल के खुलने को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो आपको बता दें, उत्तराखंड कैबिनेट की अभी भी बैठक जारी है। इस बैठक में कई अहम फैसले लेने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही सीएम आवास पर ये कैबिनेट बैठक हो रही है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि बजट सत्रों को लेकर और स्कूल खुलने की तारीख को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक अभी भी जारी है। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। आज आपको बता दें, आगामी बजट सत्र को लेकर भी ये बैठक अहम माना जा रहा है। बैठक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में की जा रही है। वहीं बैठक में लिए जा सकते कई अहम फैसले। आपको बता दें कि बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में। इसके साथ ही स्कूल, कोरोना काल में बंद हुए स्कूलों को खोलने की तारीख को लेकर भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें, सीएम आवास पर अभी भी कैबिनेट की बैठक जारी है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस बैठक से कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बजट सत्र को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही स्कूल खुलने को लेकर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि स्कूल खुलने को लेकर तारीख भी आज तय की जाए। तो सरकार की ओर से कई